मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में भाजपा इस बार हाईटेक तरीके से चुनाव प्रचार कर रही है। पीएम मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ रही भाजपा ने एमपी के मन में मोदी की थीम से सजे हाईटेक प्रचार रथों की प्रदेश की 230 विधानसभा क्षेत्रों में प्रचार प्रसार के लिए रवाना किया है। हाईटेक प्रचार रथ विधानसभा के हर गांव और प्रत्येक बूथ तक भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में डिजिटल सभाओं के साथ पार्टी के पक्ष में माहौल बनाएंगे। इन रथों के माध्यम से हर दिन प्रत्येक विधानसभा में लगभग 10 रथ सभाएं अलग अलग स्थानों पर होंगी। इस लिहाज से प्रतिदिन लगभग 2300 रथ सभाओं के माध्यम से पार्टी जनता के बीच अपनी उपलब्धियां जनता को बताएगी। इन हाईटेक रथों के जरिए पार्टी ने पूरे चुनाव प्रचार के दौरान भाजपा 50 रथ सभा के माध्यम से 1 करोड़ से ज्यादा लोगों तक पहुंचने का प्लान तैयार किया है। इन रथों में एलईडी द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार और राज्य सरकार की उपलब्धियों को बताने के साथ कांग्रेस की नाकामियों पर आधारित वीडियो फिल्में भी बनाई जाएंगी। प्रदेश भाजपा कार्यालय से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने इन प्रचार रथों को रवाना किया है। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि यह हाईटेक रथ मोदी जी के मंत्र को और कमल के निशान को प्रदेश के जन जन तक पहुंचाने का काम करेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि आज दुनिया के मन में मोदी है, देश के मन में मोदी है, एमपी के मन में मोदी है और जन जन के मन में मोदी है। हम काम के आधार पर अपने कामों को लेकर प्रचार रथों के माध्यम से जनता के बीच जा रहे हैं। वहीं भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में प्रदेश की डबल इंजन सरकार जन जन के सर्वांगीण विकास और मध्य प्रदेश को स्वर्णिम पथ पर आगे ले जाने के लिए कृत संकल्पित है। एमपी के मन में मोदी थीम पर इन प्रचार रथों से डबल इंजन सरकार की नीतियों की जानकारी जन जन तक अधिक से अधिक सुलभ होगी, ताकि जनता भाजपा सरकार की कल्याणकारी नीतियों को और अधिक समर्थन और आशीर्वाद दे सके।